सब बहन भाइयों को राम राम। भाइयों बहनों, आज आपको ड्राइविंग के समय जब आप कार ड्राइविंग करते हैं उस समय यदि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस एक्सीडेंट होने के बाद चंद सेकंडों में आपने अपने आप को और अपनी गाड़ी को कैसे बचाना है, इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। एक बहुत अच्छे विचार हैं जो आपसे मैं साझा करने आया हूँ। दोस्तों देखिए, जब भी हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात, तो आप जब हम कार ड्राइविंग करते हैं तो कई बार इस तरह के केसेस रास्ते में मिलते हैं हमें रोड पे कि हमें गाड़ी के ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ती है थोड़ी बहुत। मान लीजिए आप 80 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कोई सामने से ट्रैफिक ने कोई ब्रेक लगा लिया अगले ने, तो हमने भी ब्रेक लगाए, लगभग हमारी स्पीड हो गई 40 की। ठीक उसी समय हमारे पीछे से जो ट्रक आ रहा है या जो रोडवेज की बस आ रही है या प्राइवेट की बस आ रही है, उस ड्राइवर ने हमारी गाड़ी की जो ब्रेक बत्ती है, रेड बत्ती, ब्रेक लगने के बाद जो ये बत्तियाँ जलती हैं दोनों तरफ से, सभी वाहनों की जलती हैं। एक ये नई जानकारी और है अब के बीच में कि जब भी कोई गाड़ी वाला आगे वाला ब्रेक लगाएगा तो ये ब्रेक बत्तियाँ जलेंगी, ये रेड कलर की, ऐसे इधर है ये वाली बत्तियाँ जलेंगी। तो हमने ये देख लेना है कि अगली गाड़ी की ये बत्ती जली है तो हमने गाड़ी में ब्रेक लगा लेना। यहाँ क्या हो गया, हमने तो ब्रेक लगा ली है लेकिन पीछे जो ट्रक लेके आ रहा है, अब देखिए सामने से वो ट्रक आ रहा है, हमने अपनी गाड़ी को रोक लिया है, मान लीजिए स्पीड कम कर ली है, और उस ड्राइवर ने हमें नहीं देखा, वो अचानक हमारी गाड़ी को टक्कर मार देता है। यहाँ से होता है ना ऐसा कि पीछे से जो वाहन आ रहा है वो हमारी गाड़ी को टक्कर मार रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट पीछे वाले व्हीकल ने किया है, किया है ना। यहाँ हमने पीछे जो टक्कर मार रहा है हमारी गाड़ी के, उससे भी बचना है। उससे किस तरह बचा जाएगा ये बात आपको बताने जा रहा हूँ मैं। मान लीजिए उसने गाड़ी की टक्कर मारी, लगी गाड़ी की टक्कर, हमारी गाड़ी की स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से थी और उस गाड़ी ने टक्कर मारी, जब हमारी गाड़ी की स्पीड 40 की हमारी की थी और उसने 80 की स्पीड पर टक्कर मार दी मान लीजिए, फिर क्या हुआ, टक्कर लगी गाड़ी को बुरी तरह से, लगी ना, गाड़ी टूट जाएगी। यहाँ हमने क्या करना है जिससे हमारी गाड़ी का नुकसान भी कम हो और हमारा एक्सीडेंट होने से हम बच भी जाएं, आपको बताना चाहूँगा। देखिए जब भी कोई हादसा होता है, वो आगे से है, चाहे राइट से है, चाहे लेफ्ट से है, चाहे पीछे से, हम ड्राइवर लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी गाड़ी में तुरंत ब्रेक लगा लें। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। यदि हमारी कार को पीछे से कोई वाहन टक्कर मार रहा है तो ध्यान देने वाली बात है, आपने कभी भी ब्रेक नहीं लगाने, समझ रहे हैं ना। हम यदि ब्रेक लगाएंगे और वो वाहन पीछे से टक्कर मार रहा है तो हमारी गाड़ी को तोड़ते तोड़ते हमें भी तोड़ देगा वो। जितने भी हम गाड़ी में बैठे होंगे, घर के हैं, परिवार वाले हैं, सवारी हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम, वो सारे के सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, किसी के हाथ पैर टूट जाएंगे, किसी को कुछ हो जाएगा, होता है ना। तो हमने ब्रेक नहीं लगाने अपनी गाड़ी में, समझ गए ना, पीछे से जो टक्कर मार रहा है हमने अपनी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाने हैं, वो टक्कर मार रहा है और हम ब्रेक लगा रहे हैं तो वन एक्सीडेंट, वो टक्कर मार रहा है हमने गाड़ी को रोक दिया, हमने गाड़ी को नहीं रोकना है, हमने ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर दबाना है, समझ गए। एक्सीलेटर दबाएंगे तो हमारी गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाएगी, कुछ वो टक्कर मार रहा है, छोटी मोटी डिग्गी में चोट आ सकती है लेकिन हमारा हादसा होने से हम बच जाएंगे। इस मौके पे यदि आगे कोई व्हीकल और है, हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, आगे टकरा सकती है मान लीजिए, तो हमने आनंद फानन में फैसला लेना है, क्या लेना है, या तो गाड़ी को लेफ्ट ले जाएंगे हम, ठीक है ना, आगे जाएंगे तो ठीक है, नहीं है तो गाड़ी को लेफ्ट साइड नीचे उतार लेंगे बिना ब्रेक के। जब गाड़ी साइड में आ जाए और वो वाहन उसको रोड मिल जाए पूरा, तो हमने अपनी गाड़ी को साइड में लेके साइड में ब्रेक लगाने हैं, उसके बाद जो
कार्रवाई होती है पुलिस के द्वारा जो की जाती है वो आप लोग कार्रवाई करें, आपस में लड़ाई ना करें। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी रोड पे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम एक दूसरे को गाली बकते हैं। क्यों क्यों करते हैं ऐसा? आप कानून कार्रवाई कीजिए। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बाइक सवार था उसका एक्सीडेंट हो गया, दो आदमी और आएंगे रोक लेंगे, वहाँ मेला लग जाता है, भीड़ लग जाती है, कोई ट्रक वाले को मार रहा है, कोई वीडियो बना रहा है उसकी, ये नहीं करना है ऐसा, ठीक है? कानूनी कार्रवाई कीजिए, जिसको चोट लगी हो उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, ओके? आज के बाद ये बातें अच्छी तरह आप लोगों को ध्यान रखनी है और अच्छे से कार ड्राइविंग करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।